जैसे मतलब जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती बेलपत्री फूल शिव जी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हों। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला, लाइए जरा। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें चाहिए। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना दे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खींचकर और फिर जो माला आदिक आदिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है, रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनी है आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का श्रृंगार किस लिए, क्यों कहा? जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा। जो पड़ाओ, जो चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली मोली चंदन, जो भी आपके पास में अबीर गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का कैसे दिल से रिझाने का ले जाओ। शिव महापुराण का मूल मंत्र, हजारों हजार महामृत्युंजय का वाचन किया जाए और मुख से एक बार बोल लिया जाए, वो शिव महापुराण में वेद व्यासी ने वर्णन कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलो अच्छे से, बोलो धीरे धीरे बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई भी मंत्र का जाप करो, कभी भी करो, जरा जल्दी जल्दी ना करिए, बहुत प्रेम से। जल्दी खाओगे गाल कट जाएगा, दीवान कट जाएगी, जल्दी जपोगे
भजन कट जाएगा, जाप कट जाएगा, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे भगवान को स्नान कराते समय बीठियां उतार दी जाती हैं कि भगवान को घर्षण ना हो जाए, अब आप लोग उतारते हो कि नहीं उतारते वो भगवान जाने, ठीक है। नहीं तो कई कई तो वो रामनवमी जन्माष्टमी पे मैंने देखा है ऐसे थाली में भगवान को रख लेते हैं और जो घिसने पिड़ते हैं भगवान को, फिर तो वो चाहे दांत घसने का बरस क्यों ना हो। और भगवान भला करे या तो नींबू से घिस देते हैं, और नींबू कहा गया पाउडर, हाँ वो पीताम्बरी से घिस देते हैं। ऐसा घिसा तो क्या क्या, आज जन्माष्टमी है ना, इतना जोरदार घिसूंगी चमक जाएगा। ऐसा घिसा भगवान को भी लगा आज मेरा हैप्पी बर्थडे ने टू यू, और इतना घिस दिया मुझको, आवांद तेरा जन्मदिन, मेरे जन्मदिन पे तूने घिसा। और मालूम पड़े शादी की सालगिरह आई या जन्मदिन आया, पति के साथ गाड़ी पे जा रही थी मंदिर दर्शन करने, और जो स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी गिरी और जो घसाई, सब दूर से हॉस्पिटल में पड़ी, घर के लोग मिलने आए ये क्या हो गया, मैं तो आज मेरा जन्मदिन और भगवान के दर्शन करने जा रही थी और घस आ गई, और क्या कि मैं तो अच्छा काम करने जा रही थी और घस आ गई, और वो भी मेरे जन्मदिन वाले दिन, भगवान के मेरे जन्मदिन वाले दिन तूने घसा और मैंने घसा, तब मालूम पड़ा भगवान को भगवान मानिए पीतल की मूर्ति नहीं, पहचान की मूर्त नहीं। एक कितना सुंदर चरित्र कल्याण में लिखा गया था, बहुत सुंदर चरित्र। एक बाबा को संत को जाना था कुंभ के मेले में, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल देखे ना आगे बैठा ना, मैं कल्लू, इसका नाम कल्लू है, आगे बैठा दिख रहा होगा आपको, कल्लू है। अपने घर में भगवान जो होते हैं ना उनका नाम जरूर होना चाहिए, जैसे अपने बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम जरूरी है ना, आजकल हॉस्पिटल से जब भी भेजते हैं नाम रखोगे तभी है? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनता है, तो भगवान भी अपने घर में रहे तो उनका नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो आखिरी में किस नाम से बुलाओगे तुम भगवान को है? कभी बोलोगे राम जी तू आ जा, शंकर जी तू आ जा, कन्हैया जी तू आ जा, तो शंकर जी सोचे कन्हैया जाएगा, कन्हैया सोचे हनुमान जाएगा, हनुमान सोचे वो जाएगा, इतनी देर में तुम ही चले गए, तो इसलिए नाम होना जरूरी है। तो एक बुढ़िया के पास में बाबा पहुंचे, बाबा ने कहा माँ मेरे पास में छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तू रख ले और मैं एक महीने बाद जब कुंभ के मेले से आऊंगा तो उससे ले लूंगा। नहीं नहीं मेरे से बने नहीं, सेवा मेवा तू ही ले जा तू तो। बाबा को मना कर दिया बुढ़िया ने, बुढ़िया मना कर दी, बाबा ने कहा माँ रख ले ना लड्डू गोपाल तेरा कह जाए। नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगी, जा तू, मेरे को मेरे पास टाइम नहीं, घर में काम इतना पड़ा है, तेरे ठाकुर जी की काय को सेवा करूंगा। इतने में बाबा को लगा ये तो रखी नहीं रही, मुझे कुंभ के मेले में